जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अब मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या दे दी जाए, जैसे कि 1/2, 4/5 और 6/7। इस तरीके की संख्या दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इनमें से छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर किसी को नहीं पता कि भाई ये जो भिन्न है इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर कोई साधारण संख्या हो जैसे कि 2, 6, 9, 18, 25, तो आपसे पूछा जाए कि इनमें से आप बताइए कि बड़ी संख्या कौन सी और छोटी संख्या कौन सी है, तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि सर 25 जो है वो बड़ी है और 2 है वो छोटी है। तो साधारण संख्याओं को बताना बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर भिन्न के रूप में आ जाए तो वहाँ पर बात थोड़ी सी बिगड़ जाती है, मतलब हमें समझ में नहीं आता कि भाई अब यहाँ पर क्या होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ भिन्नों को देख लेंगे और बता देंगे कि सर इसमें ये वाली जो भिन्न बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर हमें बड़ी भिन्न पता करनी हो तो किस प्रकार से करेंगे। तो यहां पर दो सवाल लिखे हुए हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनमें बड़ी भिन्न कौन सी है, फिर इसके बाद में छोटी भिन्न निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हमें पहला सवाल दिया हुआ है कि 6/7, 4/5 और 2/3 में से हमें ये बताना है कि भाई बड़ी भिन्न कौन सी है। तो बहुत आसान तरीका है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों भिन्नों में चेक करिए। कैसे करना है देखिए, आपको क्रॉस गुणा करना है, इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए और इसका यहाँ पर कर दीजिए। आप चाहें तो जो आएगा उसको मन में भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 6 का गुणा करें, कितना होगा, 5×6=30, ठीक है। इसके बाद में 7 और 4 का गुणा कर दीजिए, 7×4 कितने हो जाएंगे, 28, ठीक है। तो ये 28 हो गया। अब 28 और 30 में से बड़ा क्या है, तो भाई साहब हमें पता है कि 30 बड़ा होता है, तो हमें बड़ी भिन्न पता करनी है। तो यहाँ पर ये बड़ी है और ये छोटी है, तो हमें छोटी का तो कोई काम है नहीं, हमें बड़ी से काम था तो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अभी लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं है, अभी हमें इन दोनों में भी कंपेयर करना है। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तब हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि भाई बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों में पता चल गया कि भाई ये वाली जो भिन्न है ये बड़ी है। अब इन दोनों में चेक करते हैं कि भाई अब बड़ी कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही क्रॉस गुणा करिए, तो यहाँ पर 3 का और 6 का गुणा करें, कितना आएगा, 18, तो ये आ गया 18। अब यहाँ पर ये जो 7 है इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए, तो 7×2=14, तो ये आ गया 14। अब 14 और 18 में से बड़ा क्या है, तो भाई साहब सीधी बात है कि 18 जो है वो बड़ा है, मतलब कि ये जो भिन्न है ये बड़ी है और ये जो है इससे छोटी है, मतलब कि इन सभी से जो बड़ी भिन्न है वो ये है 6/7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6/7 ये क्या है, बड़ी भिन्न है। इसी प्रकार से दूसरे में भी कर लेते हैं, सबसे पहले इन दोनों में चेक करते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर गुणा करिए, 11×2 कितना हो जाएगा, 22, यहाँ पर 5×7=35 हो जाएगा, तो हमने 35 लिख दिया। अब आप बताइए 35 बड़ा है कि 22 बड़ा है, 35 बड़ा है तो छोटे वाली को काट दीजिए, क्योंकि इन दोनों में हमने कंपेयर किया था तो ये वाली बड़ी निकल आई, हमें बड़ी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन दोनों में हमें पता चल गया कि भाई बड़ी वाली ये है, अब हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं, ठीक। तो चलिए इन दोनों में करेंगे, तो इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए, 5×5 कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ पर कर दीजिए, 11×6=66। 66 बड़ा है कि 25 बड़ा है, ऑब्वियसली यहाँ पर 66 जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पर ये भिन्न जो है वो इससे छोटी हो गई, तो इसको आप काट दीजिए, हमें बड़ी से काम है तो बड़ी को रख लेते हैं, बाकी को काटते चलिए, ठीक। अब चलिए अब हम इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो भिन्न है सबसे बड़ी थोड़ी ना है, अब भाई अभी अब हमें पता चलेगा कि इन दोनों में बड़ी कौन सी है, ठीक। तो यहाँ पर अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, यहाँ पर ये जो संख्या है इसको मिटा देते हैं, देखिए 3×18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18, और यहाँ पर 5×10, तो ये आ गया 10। अब 10 बड़ा है कि 18 बड़ा है, तो यहाँ पर 18 बड़ा है, इसका मतलब हमारी सबसे बड़ी जो भिन्न है वो क्या है, 6/5 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आपका 100% सही आएगा। इस तरीके से कोई भी भिन्न जिसका आंसर आपको निकालना है, छोटी या बड़ी, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे कि भाई छोटी भिन्न जो होगी उसको कैसे ज्ञात किया जाएगा। चलिए छोटी भिन्न के भी एक दो सवाल हम कर लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो चलिए करते हैं दोस्तों। अब यहां पर देखिए दो सवाल मैंने फिर से लिख लिए हैं, अब हमें यहां पर क्या पता करना है कि छोटी भिन्न कौन सी है। बड़ी भिन्न पता करना हम सीख गए, अब हमें यह बताना है कि इनमें से छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले पहला जो सवाल है इसको करते हैं, तो यहां पर देखिए 2/3,
चार बटा पांच और छह बटा सात में से हमें यह बताना है कि इसमें से छोटी भिन्न कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे इन दोनों में, तो क्या करना है, वही क्रॉस गुणा जो अभी किया था वही यहां पर करना है। तो इसका गुणा यहां पर करिए, पांच दुनी कितना हो जाएगा दस, और यहां पर ती चौके बारह। अब यहां पर हमें छोटी भिन्न पता करनी है, हमें छोटी वाली संख्या को देखना है। तो यहां पर इन दोनों में छोटी कौन सी है, दस छोटी है, बारह जो बड़ी है, तो बड़ी हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए छोटी, तो बड़ी वाली को काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली संख्या को मिटा दीजिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में कंपेयर करना है। ठीक है, तो इन दोनों में कंपेयर करिए, तो यहाँ पर देखिए सात दुनी कितना हो जाएगा चौदह। ठीक है, और यहाँ पर तीछे कितना हो जाएगा अठारह। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, छोटी भिन्न चाहिए। तो यहाँ पर अठारह बड़ा है कि चौदह बड़ा है, अठारह बड़ा है तो अठारह वाले को काट दो, छोटी कौन सी है चौदह वाली, तो ये जो चौदह वाली है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो बटा तीन जो है वो क्या है, इन सभी भिन्नों में छोटी भिन्न है दो बटा तीन। चलिए अब दूसरा वाले में देखते हैं। इसमें देखिए चार भिन्नों में हमें कंपेयर करके बताना है कि इसमें छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों में कंपेयर करते हैं। तो देखिए अब हम इसको मन में करते हैं, मन में, यानी कि अब आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप जब आप कंपटीशन एग्जाम करेंगे तो आपको लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर अब हम इसको मेंटली ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ती चौके कितना हो जाएगा बारह, और यहाँ पर सात दुनी चौदह। ठीक है, तो यहाँ पर चौदह आ रहा है, मतलब ये वाली बड़ी है तो इसको काट दो, हमें छोटी चाहिए थी तो छोटी हमने ले ली। अब यहाँ पर देखिए पाँच चौके बीस हो जाएगा, और यहाँ पर सात छिंक बयालीस, तो बीस छोटा है कि बयालीस छोटा है, तो बयालीस जो है वो बड़ा है तो बड़े वाले को काट देंगे। ठीक है, इसके बाद में आप इन दोनों में कंपेयर करिए, तो ती चौके हो जाएगा 12 और सात चौके 28, तो यहां पर आ रहा है 28 और यहां पर आ रहा है 12, तो ये वाली बड़ी है तो इसको काट देते हैं, और ये बची जो है वो क्या है, छोटी है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चार बटे सात जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब इन सभी भिन्नों में से जो छोटी भिन्न है वो कौन सी है, ये है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ जिसको आपको करके हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसमें से छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए एक बटा पाँच, तीन बटा नौ और छः बटा सात में से आपको बताना है कि इसमें से छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है, दोनों को आपको इसमें से ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न को पता किया जाता है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।